सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो आज के हिंदी एनालिसिस में द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सन वन ग्रिड के ऊपर। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट वन सन डिक्लेरेशन। वन सन डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट जो मेंस में है वन सन डिक्लेरेशन के बारे में जो क्वेश्चन है दैट कैन बी फ्रेम्ड, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइग्रेंट वुमेन, जो पैंडमिक है, पैंडमिक का बेसिकली जो इम्पैक्ट है माइग्रेंट वुमेन पे वो क्या है, ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। मेंस का प्रश्न भी इसी पर है। इंडिया और यूएसए का एनर्जी सेक्टर और ट्रेड के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे। आयरिस के बारे में ये नया कंसेप्ट है, जैसे CDRI था ऐसे आयरिस है, तो ये भी आपका एक टॉपिक नया बन जाता है। COP26 के अंदर कुछ आता अपडेट आता रहेगा। तो देखो आप COP26 एक मैंने आपको कहा था सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, तो जो आप सेक्शन क्रिएट करेंगे उस सेक्शन के अंदर जो भी अभी डेट आता है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा हेडलाइंस टाइप चीज़ें आ रही हैं, अभी एक बार ये सेशन होता है उसके बाद आपका कंप्लीट जो है वो आएगा। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर से जुड़े हैं। यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE। एग्रीकल्चर के एडवांस कोर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ये कोर्स आपका 11 तारीख से लॉन्च भी हो रहा है। इस पर वी विल ऑल्सो डू आंसर राइटिंग और एडवांस टॉपिक जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के हैं वो हम लोग कवर करेंगे। मेंस प्रोस्पेक्टिव और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी चल रहा है तो जितने भी ऑप्शनल्स आपको पढ़ने हैं सब के ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर के लिए आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, जैसे जो कि 11 से आपका लॉन्च होगा। जब आप ज्वाइन करते हैं तो सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। GS है, ऑप्शनल है, ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सारे एजुकेटर के सारे जो कोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विथ सन। ये सूरज है, सूरज की एक जो बहुत इंपॉर्टेंस आपकी रहती है दैट इज़ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज़ किया आपका जा सकता है। तो ये एक फोकस है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फॉर सीमलेस एनर्जी। इंडिया ने इस पर बहुत वर्क भी किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया के जो स्टेप्स हैं पेरिस अग्रीमेंट के दौरान जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी आपका फॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन सन डिक्लेरेशन के बारे में। इस पर ये मेंस का प्रश्न आपके लिए बन सकता है, है ना, वन सन डिक्लेरेशन। बेसिकली जैसे अगर कोई भी अगर आप देखो जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे जो सन है, सन का जो रिलेटिव मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलता है अर्थ के कंटेक्स्ट में। सन तो एक ही जगह होता है, अर्थ मूव करता है, बट रिलेटिव पोजिशन वेरी करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ। तो इन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत अधिक होती है, उस सूरज की रोशनी को हार्नेस किया जा सकता है हमारी जो एनर्जी नीड है, रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। सो ये जो वन सन डिक्लेरेशन लेकर आया गया है COP26 में, तो वैसे तो आपको इजीली कंक्लूड कर सकते हो किससे रिलेटेड है, लेकिन जब आप मेंस का आंसर लिखते हो उस मेंस के आंसर में आपके पॉइंट्स होने चाहिए 1, 2, 3, 4, मतलब जो ये वन सन डिक्लेरेशन में पॉइंट्स रखे गए हैं वो पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एनर्जी फ्रॉम सन विंड वाटर अक्रॉस बॉर्डर, तो यहाँ पे ये एम आपका है कि जो सन है, विंड है, वाटर से जो एनर्जी जनरेट की जा रही है उसको ट्रेड किया जा सके। अभी जैसे आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो हम कोल पर निर्भर हैं, हम ऑयल पर निर्भर हैं, तो ये जो सोर्स हैं इन सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ वी कैन प्रोसीड, ये एक बहुत बड़ा एक एम है जो कि इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही। तो ये जो ट्रेड है ये बायलेटरल भी हो सकता है, ये रीजनल भी हो सकता है, दो कंट्रीज़ आपस में वो भी कर सकती हैं, कुछ ग्रुपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड कर सकती हैं, और ख़ास तौर से ये इस्टेब्लिश करना इंटर कनेक्टेड ग्लोबल ग्रिड,
इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ग्रिड ये डेवलप करना, इंटरकनेक्टेड जैसे ए बी सी डी बहुत सी कंट्रीज़ हैं इन आपस में कनेक्टेड है, जैसे हमारे देश में भी ग्रिड है, एक जगह जो पावर का प्रोडक्शन होता है वहाँ से कंज्यूमर तक जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास ग्रिड है, तो वो इंटरकनेक्टेड कंट्रीज़ के बीच जो ग्रिड है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये एक एम आपका रखा गया। तो इसके लिए हमें ट्रांसमिशन लाइंस की, ये COP26 की वेबसाइट से ही कंटेंट है पूरा ये, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें नई ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अक्रॉस बॉर्डर भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो सकते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम, और एम क्या होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो रिन्यूएबल्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करना और खास तौर से जो बेनिफिट है वो सब तक रीच करना और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना। तो यहाँ पे एक्सपेंडेड और मॉडर्नाइज जो नेशनल रीजनल जो ग्रिड है वो डेवलप करना, तो मिनी ग्रिड्स ऑफ ग्रिड सोलर सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना, छोटे ग्रिड्स हैं बड़े ग्रिड्स हैं सोलर सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना। तो यहाँ पे क्या है, टू हेल्प डिलीवर द विजन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो यहाँ पे कई सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं उसमें से जैसे हमने डिस्कस किया एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ग्रिड लेकर आने की बात किया जा रहा है, और इसमें कई सारे जो गवर्नमेंट्स रेगुलेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज बहुत सारे इसका पार्टिसिपेशन इस पे करेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जिसको कहा भी जा रहा है वन सन डिक्लेरेशन, तो ये जो वन सन डिक्लेरेशन है इसमें कई सारे जो एम्स रखे गए जैसे सोलर है विंड है स्टोरेज, सोलर विंड पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, उसके अलावा वी कैन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टोरेज में, जैसे अगर सोलर विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको स्टोर भी करना है, लोकल सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड जो है वो करना है, इस पर वर्क करना है, लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आपका डेवलप करना है। तो जहाँ पे जैसे अगर ये ट्रांसमिशन लाइंस है जैसे ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, अलग अलग डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो ये ट्रांसमिशन लाइंस सबको कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करके जहाँ तक रीच कराना है कंज्यूमर है वहाँ तक रीच कराया जाए। तो इसके लिए चाहे जरूरत पड़ती हो तो एक ट्रेडिंग अरेंजमेंट लेकर आया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्य किया। तो ये बहुत बड़ा एक वर्क है और कंट्रीज इस एरिया में काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर सकती है, और ये एक ग्लोबल कम्युनिटी को कैसे साथ लेकर आया जा सकता है, इंटरनेशनल गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इंटरनेशनल स्टेप्स मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, खास तौर से इस एरिया में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कैसे प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों से एक तरीके से उसे कॉम्बैट करने के लिए। तो डेवलपिंग डिप्लॉइंग कटिंग एज टेक्निक्स और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं पावर सिस्टम से रिलेटेड, वो डेवलप करना, खास तौर से जैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स है, विंड टर्बाइंस है, स्टोरेज सिस्टम है, इसको डेवलप करना, इस एरिया पे भी कई सारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी क्रिएट होती है, ग्लोबल ट्रांजिशन टू जीरो एमिशन व्हीकल्स जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या सोलर पावर बेस्ड व्हीकल्स हैं, इस पर कैसे हम रीच कर सकते हैं यहाँ पे भी आपका फोकस किया गया है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट सोलर जो मिनी ग्रिड्स हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना जिससे कि अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ क्लीन अफोर्डेबल और जो रिलायबल एनर्जी है उसको वो एक्सेस कर सके, क्योंकि देखो बहुत हायर वल्नरेबिलिटी रहती जिसके पास रिसोर्सेस है वो किसी तरीके से अडाप्ट कर सकता है, लेकिन इसी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही होती रहेगी, इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका रहेगा कि बहुत सी जो कम्युनिटी है वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, वो अपने आप को बचा सके, और कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए भी क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें डेवलप करना पड़ेगा, बिट्स में भी इंटरनेशनल लेवल पे कई स्टेप्स जो है वो जो है वो लेकर आए जा सकते, जैसे कंसेप्ट एक सोलर बैंक का है, सोलर बैंक के कंटेक्स्ट में जैसे जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसको फाइनेंस करना, इस वे में इस डायरेक्शन में कार्य जो है वो किया जा सकता है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो डेवलप करना, कैपिटल मार्केट को भी एक्सेस किया जा सकता है, क्लाइमेट बॉन्ड्स या इस प्रकार के जो स्टेप्स लेके जो फाइनेंस वो जनरेट आपका किया जा सकता है, और ओवरऑल जो सोलर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्टीयरिंग कमिटी है ये बनाई
बनाई भी गई है जिसने ये डिक्लेयर वंस एंड डिक्लेरेशन की तरफ प्रोसीड किया है, और ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स इसका हिस्सा ये देश हैं, इस कमिटी का जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इंडिया है, यूएसए और यूके है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना कि COP26 के टाइम पे ये जो कमिटी का गठन किया गया था तो उस कमिटी के कौन कौन कंट्रीज मेंबर है, तो इंडिया जो है वो भी इसका आपका हिस्सा है। नेक्स्ट इज अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, खासतौर से जो पैंडमिक का समय आया है तो पैंडमिक के समय के दौरान जो वुमेन बहुत से एरियाज में कार्य करती हैं वो बहुत अधिक आपका इम्पैक्ट हुई। तो जैसे खासतौर से जो आर्टिकल है वो आपका और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ जो कार्य कर रही थी उनका उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो वुमेन है वो भी बहुत अधिक आपकी जो है वो अफेक्ट हुई हैं। तो ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक ने एक थीम दिया है, कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर है लेकिन एक टॉपिक ये जो टॉपिक है ये आपको क्या थीम दे रहा है वो थोड़ा याद रखना, मेंस में भी ये प्रश्न बन जाता है। वुमेन से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत अधिक मतलब हर साल अगर आप देखोगे प्रश्न रहता है जीएस पेपर 1 के अंदर, और वो बहुत ही ऐसा ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं रहता कि आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ लो कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये जो कुछ रिसेंट चीज़ें चलती रहती हैं जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन है और वुमेन को लिंक करके प्रश्न बना दिया जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ओल्ड वुमेन पर क्या पड़ेगा, इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए। तो यहाँ पे आपको भी ये जो कनेक्टिविटी है इसके प्रति थोड़ा सा माइंड को इस डायरेक्शन में वो सोचे इसके लिए तैयार करके रखना है प्रश्न जब भी आपके लिए फ्रेम हो। तो जब ये प्रश्न फ्रेम होता है कि मान लो जो कि आज का मेंस का भी प्रश्न है कि पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट हो माइग्रेंट वुमेन पर क्या पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसमें कुछ पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ओवरऑल भी आप थोड़ा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि किस तरीके से चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जो माइग्रेंट वुमेन है, माइग्रेंट वुमेन का मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत से खासतौर से माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो माइग्रेशन जैसे केरला से बहुत सी वुमेन है वो माइग्रेट करके जाएंगी और वो बहुत सी कंट्रीज ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ये जो देश सऊदी अरेबिया वहाँ पे वो बहुत से कार्य में रहती है जैसे नर्सेस के रूप में कार्य करना और बहुत सारे एरियाज में। तो क्या इंपैक्ट पैंडमिक का पड़ा है माइग्रेंट वुमेन के ऊपर वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट होती है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात किया जाए तो यहाँ पे खासतौर से ये लगभग 3 मिलियन माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उसको होस्ट करता है और बहुत सारी इसमें वीकेंड्स है, वुमेन भी है, वुमेन माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं और बहुत सी जो वुमेन माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें काफ़ी अधिक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी फेस करना पड़ा है। तो ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है, जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है जो डोमिनेट करता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन में, तो अकाउंटिंग फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द रीजन। तो ज़्यादातर जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर जो वर्कफोर्स है वो ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं या माइग्रेंट वर्कफोर्स ही है जो कि साउथ एशिया से आए हैं, साउथ एशियन कंट्रीज से आए हैं, और इसमें जो वुमेन है ये कई डेटा कहते हैं कि दे हैव टू फेस मैनी मतलब बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनको फेस करना पड़ा। तो वुमेन इसमें से कितना 39%, ये डेटा आप कोट कर सकते हो कि वुमेन अकाउंट अराउंड 39% वर्कर जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो माइग्रेंट वर्कर्स है टोटल माइग्रेंट वर्कर्स है उसका 39% आपका वुमेन है जीसीसी में। फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डेमोन्स्ट्रेट अ ग्रोइंग ट्रेंड, खासतौर से बहुत से एरियाज हैं जहां पे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है दैट हैज इंक्रीज्ड। तो वुमेन माइग्रेंट्स जो है दे आर इन स्किल्ड कैटेगरीज, स्किल कैटेगरीज में जैसे नर्स के रूप में कार्य करना है, सेमी स्किल्ड कैटेगरी में भी हो सकती हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी में जैसे डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, केयर वर्कर के रूप में या साफ सफाई वाले कार्य में, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के रूप में, सैलून के अंदर स्टाफ के रूप में, सेल्स पर्सन के रूप में। तो ये जो माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स हैं वो स्किल्ड वर्क भी कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड वर्क भी कर रहे हैं और कई दूसरे तरीके के जो कार्य हैं वो आपके जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वहां पे जो माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स है वो आपके कर रहे हैं। और ये जो हाईलाइट किया गया है कि दे आर फेसिंग अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सी जो वुमेन वर्कर है खास तौर से जो हाउसमेड के रूप में काम कर रहे हैं वो उन्हें पूरे तरीके से उनकी जो कनेक्टिविटी आउटसाइड वर्ल्ड से वो पूरे तरीके से हटा दी जाती है, उनको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, फ़ोन नहीं होगा तो आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होगा, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, क्या वेजेस उनको मिल रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके ग्रीवेंसेस का एड्रेस आपका नहीं हो रहा है, फैमिली से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये भी चीज़ें कई जगहों पर जो कंट्रीज़ हैं खासतौर से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में की जो कंट्रीज़ हैं जो अरब
स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत सी वुमेंस जो हाउसमेट्स के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। दूसरे ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई वुमेंस हैं जो कि चाइल्ड केयर के वीज़ा कि उसमें आई हैं कि दे विल कैरी आउट द केयर जो है वो कैरी आउट करेंगे, लेकिन क्या हुआ है कि पैंडेमिक का समय आया, पैंडेमिक की वजह से क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर का पर्सन उनके चाइल्ड केयर करे, मतलब बच्चे का केयर करे या किसी का भी केयर करे बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मेंटेन करने के लिए। तो इससे क्या उनका जो जॉब है वो चला गया, तो वो आए तो चाइल्ड केयर वीज़ा के नाम पे है लेकिन पैंडेमिक की वजह से उन्हें जो जो उनका कार्य है वो नहीं मिल पा रहा है, तो सडनली फिर उन्हें सेमी स्किल्ड या दूसरे कार्यों की तरफ जाने, हाउसमेड के रूप में कार्य करना है और वीज़ा उनका जो है चाइल्ड केयर के लिए है, तो उसमें भी फिर एक्सप्लॉयटेशन के काफ़ी अधिक चांसेस आपके बन जाते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए इस आर्टिकल के अंदर, सारे तो इतने काम के नहीं है लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये है। और इसमें आपको आपके लिए जो टॉपिक क्रिएट होता है, जो बनता है, वो ये है कि खास तौर से जो ये पॉइंट बनता है कि जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का इंपैक्ट माइग्रेंट वर्कर्स पे क्या हो सकता है, इस पर खासतौर से वुमेन माइग्रेंट वर्कर्स पर क्या पड़ रहा है, और आप इस पर कुछ और पॉइंट्स भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज रिलेटेड विद द एनर्जी। देखो नए तरीके की जो ये न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं ये टेक्नोलॉजीज ही आगे चल के कंट्रीज के बीच में जो एक ट्रेड होगा उसका बेसिस बनेगा। तो ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगी या एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी या फिर कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, वो एक ट्रेड के रूप में कंट्रीज के बीच में देखने को मिल सकता, मतलब उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो व्यापार है वो व्यापार आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। तो कंट्रीज के बीच में भी जो कोऑपरेशन है खासतौर से इंडिया यूएसए के बीच में, तो ये दो मेजर एरिया बन जाते हैं, दैट इज ट्रेड एंड क्लाइमेट। तो ये भी आपका इंडिया यूएसए रिलेशन जीएस पेपर 2 के अंदर आपके लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें ये जब भी इंडिया यूएस रिलेशन पर आए तो ये पॉइंट्स आप हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। तो खासतौर से रिलेशन जो है इंडिया और यूएसए के बीच में ये दो एरियाज पे बहुत हद तक निर्भर करता है, एक क्लाइमेट है और दूसरा है ट्रेड। क्लाइमेट एरियाज पे जैसे टेक्नोलॉजी है और दूसरा व्यापार है, व्यापार का जो बेसिस है वो बेसिस कई तरीके का आपका हो सकता है। तो क्लाइमेट पर कोऑपरेशन का मेजर रीजन यही है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कंट्रीज का, जो एक्सट्रीम इवेंट्स वो बहुत अधिक इंक्रीज हो रहे हैं, जब एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत अधिक इंक्रीज होंगे सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, जो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, कंट्रीज के लोग हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट आपके होंगे। और दूसरा जो सेकेंडरी कंसिडरेशन है, मतलब व्यापार करना एक सेकेंडरी कंसिडरेशन है लेकिन फिर भी व्यापार इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरूरी होता है जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है वो आपका लेकर आया जा सके। दूसरा ये भी हाईलाइट किया गया कि जो चाइना के प्रति सोच है इंडिया और यूएसए की जो थिंकिंग है वो भी एक डीपर कोलैबोरेशन की तरफ इंडिया और यूएसए को साथ में लेकर जो है वो जा रहे। तो एक तो क्लाइमेट कंसर्न भी है, कमिटमेंट भी है, उस एरिया में भी दोनों कंट्रीज एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहते हैं, एक आगे का जो रोल है, एक लीडरशिप जो रोल है वो आपका करना चाहते हैं। तो क्लाइमेट और जो ट्रेड है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, बहुत सारे एरियाज में इंटर रिलेटेड है, जैसे कार्बन जो मिटिगेशन एडाप्टेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं खासतौर से कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत से ऐसे एरिया से रिलेटेड है, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे टेक्नोलॉजीज जो कि एडाप्टेशन के लिए जरूरी है, कार्बन एमिशन के रिडक्शन के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे यूएसए इंडिया की मदद कर सकता है और उस एरिया में जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो आपका हो सकता है। सो इंडिया और यूएसए को बहुत लेवल पे यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, खास तौर से क्लाइमेट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, और तभी कहीं जो ऑब्जेक्टिव है खास तौर से जो कार्बन एमिशन को रिडक्शन में उसको अचीव आपका किया जा सकता है। जो थ्रेट है, थ्रेट जो आपका फेस किया जा सकता है खास तौर से न्यू क्लाइमेट और ट्रेड टेंशन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे इंडिया ने बार बार हाईलाइट किया है अबाउट द टेक्नोलॉजी, इंसिस्ट दैट टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफर्ड वे दैट अंडरमाइन द इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन इन बोथ कंट्रीज, और इफ द यूएस डिसाइड्स दैट द इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बी सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टैरिफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
एक तो ये है कि इंडिया ने कहा कि देखो आप जो भी कर रहे हो उसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, टेक्नोलॉजी यूएसए में भी ट्रांसफ़र ना करे, उसका ये मानना रहेगा कि एक बार टेक्नोलॉजी हमने दे दिया तो ये जो प्रोडक्ट है ये खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। यूएसए का ये मानना है कि ठीक है अगर हम टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इनोवेशन के रास्ते को बंद कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं लेते और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट उसका बहुत अधिक है, तो ऐसे प्रोडक्ट अगर यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है तो यूएसए उस पर ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करके और उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो उससे भी इंडिया को नुकसान है। तो ये जो व्यू पॉइंट रखा गया है ये व्यू पॉइंट आपका यूएसए का रखा गया, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, शॉर्ट में CBAMs भी इसको हम कहते हैं। तो कई प्रकार के जो टैक्सेस है वो इम्पोज करना, ऐसा कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कार्बन फुटप्रिंट अधिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन भी उस पर हो सकता है तो ऐसे प्रोडक्ट पर टैक्स इम्पोज कर देना, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपका डिसएडवांटेज कंडीशन पर चला जाएगा और इसका जो इंपोर्ट है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। तो ये क्या है, वी कॉल इट एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और इसके तहत फिर कई सारे जो प्रोडक्ट है जिसमें जो कार्बन एमिशन या जो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको उसको मैनेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अगर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहेगी जो कि यूएसए हमें ट्रांसफर कर सकती है तो वहां पे फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा सा इंपैक्ट आपका कर सकता है। तो इस एरिया में भी दोनों कंट्रीज को काफी हद तक आपका पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, जैसे 11 बजे का जो सेशन आपका होता है दो कैटेगरी में आई एम टेकिंग द सेशन, एक तो आपका आंसर राइटिंग सेशन होता है जिसपे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एक आपका होता है एक्सपेक्टेड जो मेंस के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए, ठीक है। तो उस पर जैसे मैंने आपको कल तीन टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आज भी तीन चार टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में मेंस के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपका क्या है, ये कवरेज का एम ये है कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से सारे सेशंस कर रखे तब तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लेना, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हो 2022 की तैयारी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट 2022 के लिए भी होंगे, 2021 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इशूज रहेंगे। लेकिन जिन्होंने जैसे जनवरी से ही जो फॉलो कर रहे हैं वो नोट्स प्रिपेयर, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, लेकिन जैसे जो नए हैं लेट ज्वाइन किया है ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये टॉपिक्स जो है इशूज वी विल कवर, जो कि मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, जब मेंस के क्वेश्चंस आएंगे आप इन्हीं में से देखना, बहुत से प्रश्न आप करेंगे। सिर्फ द ऑब्जेक्टिव इज कि पिछले साल भी बहुत अधिक प्रश्न आपके एडिटोरियल्स से आए थे, बहुत अधिक प्रश्न आपके एडिटोरियल्स जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 से आए थे और जीएस पेपर 1, तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा, कोई भी मंथली मैगजीन कंपाइलेशन सबको थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े बहुत इश्यूज जो बहुत प्रोमिनेंट है उनको कवर कर लेते हैं, लेकिन सारे कवर नहीं होते, कई नई जो कंसेप्ट्स आते रहते हैं, आर्गूमेंट्स आते रहते हैं, इंटरकनेक्टिविटी आती है। अब जैसे मान लो आज पैंडेमिक का इंपैक्ट माइग्रेंट वुमेन पर क्या पड़ेगा, माइग्रेंट जो वुमेन वर्कर से क्या पड़ेगा, अब ये कोई भी मैगजीन कवर नहीं करेगी, इसके जो हाईलाइट्स है वो कोई नहीं कवर, वो ऐसे इशू जैसे COP26 लोग कवर करेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे, इसमें जो कंसेप्ट है वो सारा चीजें कवर होंगे, लेकिन अगर माइग्रेंट वर्कर्स है तो वो नहीं कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक्स जो है जहां से प्रश्न आपके लिए फ्रेम होंगे, चाहे वुमेन से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड, अलग अलग एरियाज में, तो यहां पर यह टॉपिक्स आपको बना के रखने हैं, आप नोट्स प्रिपेयर करके फिर इजिली आपको रिवाइज होगा। तो आज भी 11 बजे आपका सेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये दोनों का मैं आई एम कंसिडरिंग कि इसमें एक तो थोड़ा कंटेंट आ जाए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें, और एक फिर आंसर राइटिंग है। तो ये सेशन आपका 11 बजे ही होना है, 11 बजे ही आपका सेशन होना है, तो कल ऑलरेडी सेशन एक हो चुका है, आज एक सेशन है, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका। फिर आंसर राइटिंग भी साथ साथ में ही है, मतलब एक दिन आंसर राइटिंग, एक दिन एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है, फिर आंसर राइटिंग, एक्सपेक्टेड टॉपिक, इस तरीके से वी आर प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी साथ में हो और कंटेंट एनरिचमेंट भी हो, दोनों पर फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, वर्ल्ड लीडर्स प्लेस टू सेव फॉरेस्ट कट मिथेन एमिशन, सॉरी, ये तो यहाँ पे जो COP26 के जो लीडर्स हैं, जो ग्लासगो में आपकी जो COP26 आपके चल रहा है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना या ख़त्म कर देना इस डिकेट के ये जो डिकेट है इसके मतलब एंड तक, ये जो डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना, कटाई जो पेड़ की हो रही है उसको रिड्यूस कर, अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट को भी कितना अधिक काटा गया, इंडिया के भी वेस्टर्न घाट के रीजन को देखो, केरला का रीजन है, वहाँ भी फॉरेस्ट को कितना क्लियर किया गया, मतलब फॉरेस्ट को काटा गया और फिर वहाँ पे
डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपकी कर रही है। तो यहाँ पे ये खासतौर से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, मीथेन है, इनके इमिशन को रिड्यूस करना, तभी हम क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो यूज़ है फॉसिल फ्यूल का, इसको भी रिड्यूस करना। तो इस पर भी जो खासतौर से जो बड़ी पावर्स है, इनएबिलिटी ऑफ मेजर पावर्स है, वो इस पर ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे, बट एक बार एग्री कर जाए इस एरिया में भी कार्य करना, फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको रिड्यूस करना। लगभग 19 कंट्रीज़ हैं, दे हैव ज्वाइंड यूएस और ईयू लेड एफर्ट, जिससे जो मीथेन है 30% बाय 2030 फ्रॉम 2020 लेवल। तो ये यूएस और ईयू लेड जो एफर्ट है उसमें यूएस ने ज्वाइन भी किया है, और मीथेन को रिड्यूस करना बाय 30% बाय 2030 फ्रॉम 2020 लेवल, जो 2020 में लेवल है उससे रिड्यूस करना बाय 30%। उसके बाद ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसके बारे में थोड़ा सा रीड करना आप, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप है, इसके बारे में रीड करना, एक ये आपको रीड जरूर से करना है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, ये सितंबर में अनाउंस भी किया गया था, और इसमें भी खास तौर से फोकस किया गया है कि नाउ कवर्स एमिशन फ्रॉम 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और इसमें ब्राज़ील भी इसका हिस्सा है, इसका जो हिस्सा ब्राज़ील है जो कि बिगेस्ट एमिटर है मीथेन का, जो कि काऊ जैसे कुछ खाती है, गाय कुछ खाएगी तो उससे भी मीथेन जनरेट होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लैंडफिल, ऑयल गैस प्रोडक्शन, इसमें भी काफ़ी अधिक मीथेन आपकी जनरेट होती है। दूसरी जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना, रशिया, इंडिया की बात किया जाए तो उन्होंने इसको अभी साइन, दे हैव नॉट साइंड अप, तो ये थोड़ा सा आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न एनवायरमेंट के एरिया में लोग टच करते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। जैसे इस बार का भी आई थिंक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आपका प्रश्न पूछा गया था, तो भी बहुत न्यूज़ में भी चल रहा था। देखो 2020 में ही वर्ल्ड ने लगभग 258,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, और जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसने एस्टिमेट किया है कि लगभग 27 फुटबॉल फील्ड ऑफ फॉरेस्ट हर मिनट लॉस होता है। ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये फैक्ट जब भी डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज ऐसा कोई प्रश्न आता है, ऐसे राइटिंग करते हो, तो ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो अपने फैक्ट डायरी के अंदर, आप इसको मेंशन कर सकते हो। लगभग 100 नेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने मतलब एग्री किया उन्होंने कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, और इसके लिए बाय $19 बिलियन इन पब्लिक प्राइवेट फंड, जो कि स्टेप्स लिए जाएंगे, मतलब कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और रिस्टोर किया जाए। तो 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इस बार का प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं लगभग 40 कंट्रीज़ है, उनके द्वारा ये एक्सपेंड भी किया गया है 2014 के अंदर, जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट है। COP26 ने भी जो है वो एम किया है कि हम स्टेप्स लेंगे, हर तरीके का स्टेप्स लेंगे जिससे कि जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम, चाहे वो फ्लड हो, ड्रॉट हो, हीट वेव्स हो, कोस्टल एरिया में जो डैमेज हो, ये सब कुछ इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा। लगभग 12 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने प्लेज किया है कि वो $12 बिलियन पब्लिक फंडिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, जिससे कि वाइल्ड फायर्स को टैकल किया जा सके, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जा सके। अभी ग्रीस है, ग्रीस में कितनी आग लगी, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फायर है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है अगर आप इस प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे जो कि सस्टेनेबल ही नहीं है। इकोलॉजी को हम फोकस न करके सिर्फ इकोनॉमी को फोकस करेंगे तो जब इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता रहेगा वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। तो एक बार डिजास्टर आए तो सारा का सारा डेवलपमेंट आपका पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल आइलैंड है, देखो स्मॉल आइलैंड है, अब जैसे चारों तरफ समुद्र है, ठीक है, और बहुत सारे जो एरियाज होते हैं, अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर लो, मान लो इतना एरिया हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश है, पैसिफिक एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जैसे जिसकी वेस्ट इंडीज़ टीम है, वेस्ट इंडीज़ जो है कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज़ क्या, बहुत सारे देशों का मिलकर वो क्रिकेट टीम बनाई गई है, ये शायद आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि ये सारे के सारे स्मॉल आइलैंड्स हैं। अब ये जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, इन स्मॉल आइलैंड्स पर अगर थोड़ा सा भी सी लेवल राइज होगा तो ये दो मिनट भी नहीं लगेगा डूबने का, भी इसको छुपने का भी जगह कहां आप ढूंढोगे। तो ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि टूरिज्म पर निर्भर भी करती हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कोई बड़ा देश है, अब इंडिया की बात करो, चाइना की बात करो, रशिया की बात करो, रशिया को तो इतना सी लेवल राइज से तो इतना मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देशों की बात करो जो कि बड़े कंट्रीज हैं, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन,
ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो समुद्र से नहीं डूबेगा, लेकिन ये जो कंट्रीज अगर 2 मीटर भी लेवल बढ़ गया समुद्र का तो ये पूरे तरीके से सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे। और इंडिया ने ये इशू रेज भी किया है, तो इंडिया ने खास तौर से इंडो पैसिफिक जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको उनके लिए एक इनिशिएटिव के लिए प्रयास किया है, और कैरिबियन आइलैंड्स हैं उनके लिए भी जो इनिशिएटिव उसके लिए भी प्रयास आपका किया है। तो यहाँ पे इंडिया जो है हेल्प करेगा कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज से प्रोन है, और इसमें जैसे कई सारी मदद भी है हमारी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके उनको मॉनिटर करते हुए बताना, यहाँ फिशिंग पोटेंशियल है, ये क्लाइमेट रिस्क आपको हो सकता है, ये कदम उठा सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आप कर सकते हो। तो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न बनता है और आप इस पे थोड़ा सा सोच के आज लिख लेना, ठीक है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करने में, या फिर एक दूसरा जो लिंकेज आपको बन सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्प कर सकती है, इस पर आप सोचो और इस पर जरूर से ट्राई टू राइट अराउंड 130 वर्ड्स। देखो ये जब लिखने की आदत है कि इस टॉपिक को उससे लिंक करके लिख दिया, ये आपको अपना ब्रेन को इस तरीके से तैयार करना है। आप ये समझ के हमेशा रखना है कि जो क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे वो रटे रटाए आएंगे ही नहीं, कि ये आपसे पूछ लिया है ना कि आपको ऐसा नहीं आएगा कि राइट अबाउट काउ, जैसे होता था ना, जैसे ये एक सिंबॉलिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे पहले के टाइम पे मान लो एक क्लास 5th 6th में आपके लिए आ जाए कि गाय पे जो है ऐसे लिखो, ठीक है, तो आपको आपने याद कर लिया उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, इस टाइप की जो है काउ हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, इस टाइप का जो भी है कुछ भी आपने जो है अपने मन से बना के लिख दिया। आप इस चीज़ को समझ के रखो कि ऐसा जो मतलब बहुत सारी ऐसा मेमोरी पर जो बेस्ड चीज़ें हैं जो फैक्ट्स आपने याद किया है वो सारी चीज़ें वो आपको थोड़ा सा कैसे यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके लिए फ्रेम होंगे उसका आंसर वहीं बैठ के आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा रटा रटा जो है वो आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना चाहिए, ये चीज़ें एक्चुअली और आसान हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल पूछ लिया तो वो आता है या नहीं आता है, लेकिन कई ऐसे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न अब आपके आते हैं तो उनमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा अपने माइंड को तैयार करो, जैसे मेंस में भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो उस क्वेश्चन को ही अगर आप लिख लेते हो, क्वेश्चन आंसर राइटिंग सबसे डिफिकल्ट है, हम लोग ज़्यादातर समय क्या करते हैं इधर से उधर इन्फॉर्मेशन की तरफ हमारा माइंड रहता है, लेकिन आप आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस करो। अगर एटलीस्ट 1 या 2 अगर आप 2022-23 का तैयारी कर रहे हो वो अगर फोकस करो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है, यही बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना माइंड को तैयार कर फिर आप टेस्ट सीरीज मेंस का जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो इंडिया टू हेल्प कंट्रीज प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खास तौर से यहाँ पे रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, तो ये डेवलप करने की बात की। जैसे एक आपका कंसेप्ट था CDRI, ठीक है, जो क्लाइमेट रिजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपकी की गई थी इंडिया ने के द्वारा ही ये इनिशिएट किया गया। तो इसी तरीके से इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के अंदर जो कि क्लाइमेट चेंज प्रोन, मतलब उन पे जो इम्पैक्ट हो क्लाइमेट चेंज को लिमिटेड हो, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई एक्सट्रीम इवेंट आया और सारा जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा डैमेज। तो ये प्रयास करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना जो कि रिजिलिएंट हो टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार इस डायरेक्शन में कार्य करना। और ये क्या है, ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन में है और आपके फॉर एग्जांपल कैरेबियन आइलैंड्स जो कि अटलांटिक ओशन में आइलैंड्स हैं वहाँ पे। तो इस कंटेक्स्ट जैसे पहले आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI था, उसी लाइन में आइरिस को भी लेकर आपका जाया जाएगा। और यहाँ पे प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है जो कि लाइव्स और लाइवलीवुड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो यहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें उस डायरेक्शन में कार्य करना है आइरिस। तो आइरिस के बारे में अभी काफ़ी आर्टिकल्स आएंगे तो डिस्कस करेंगे। आर्टिकल है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक जगह पे नाम मेंशन्ड है दैट इज कैरिकॉम कंट्रीज, ठीक है, कैरिकॉम कंट्रीज। तो ये थोड़ा क्या होता है देख लेते हैं। कैरिकॉम कंट्रीज अगर आप देखोगे, कैरिकॉम कंट्रीज का फुल फॉर्म देख लो, कैरेबियन कम्युनिटीज। यहाँ पे 20 कंट्रीज हैं, 15 मेंबर स्टेट्स हैं, 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं और इसमें लगभग 6 मिलियन सिटीजन्स हैं। 60% जो है अब इनकी एज इतनी है, ये सब ये नहीं करना, अलग अलग जगहों से ये बिलोंग करते हैं। और कैरेबियन आइलैंड जैसे वेस्ट इंडीज जैसे आप कह लो, तो उनकी जो कंट्रीज और मिल के ये ग्रुपिंग आपकी बनाई है और मल्टीलिंगुअल है और ये
ये थोड़ा सा याद रखना है, कैरिकॉम कंट्रीज़ के ऊपर 10 नंबर का प्रश्न मान लो मेंस के अंदर ही आ जाए तो आपको तैयार रखना है, क्योंकि नया चीज़ है कैरिकॉम कंट्रीज़, क्योंकि आयरिस है, अब आयरिस तो सब पढ़ के जाएंगे, यूपीएससी को भी पता है कि इस बार सब पढ़ के जाएंगे, तो ये कई बार ऐसे कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग के बारे में भी जो कि आपकी जीएस पेपर 2 के सिलेबस में रहता है वहाँ से प्रश्न आपके लिए निकाल सकते हैं। तो ये बहामास इन द नॉर्थ से लेके सोरेनेम एंड गुआना इन द साउथ अमेरिका तक ये कंट्रीज अब 20 कंट्रीज आपकी हैं, और खासतौर से इन्हें डेवलपिंग कंसिडर किया जाता है एक्सेप्ट फॉर बेलीज इन सेंट्रल अमेरिका, गुआना एंड सोरेनेम इन साउथ अमेरिका, ऑल मेंबर्स एंड और एसोसिएटेड मेंबर्स आर आइलैंड स्टेट। अब देखो ये भी आपको याद रखना है, कैरिकॉम कंट्रीज में सारे मेंबर्स जो हैं वो आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, आइलैंड कंट्रीज है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जैसे बेलीज है, गुआना है और सोरेनेम है। तो अब ये प्रीलिम्स का भी प्रश्न आपका बन सकता है, और यहाँ पे जैसे ऑल कंट्रीज, ऑल मेंबर कंट्रीज आर आइलैंड स्टेट, एक स्टेटमेंट ऐसे आ जाए ऑल मेंबर कंट्रीज आर आइलैंड स्टेट, अब ये उस स्टेटमेंट को आप राइट कर दोगे, सारे नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्शन है, बेलीज है, गुआना है, सोरेनेम है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज़ है, जैसे इस साल प्रश्न आया था हेजहॉग के बारे में, हेजहॉग के बारे में एक प्रश्न था ना कि है, तो उसमें था कि कौन सा जो जानवर है वो रोलअप कर सकता है, रोलअप कर सकता है, रोलअप, ठीक है, तो जैसे एक ऑप्शन था पॉर्क्यूपाइन, तो वो रोल अप कर सकता है, मतलब जैसे वो डेंजर देखता है तो ऐसा अपने आप को ऐसा बना लेता है और बनाने के बाद ऐसा रोल अप करता है। लेकिन जो हेजहॉग है, अब सब ज़्यादातर इंस्टीट्यूट सभी ने जो है, आई वॉज रीडिंग अबाउट हेजहॉग, ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम जो है आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग। तो जो हेजहॉग है वो रोल अप तो करता है, बट वो मतलब वो ऐसा रोल तो कर लेता है, लेकिन अपने आप को ऐसा मतलब ऐसा कर तो लेता, बट ये क्या है, एक जगह पे ही रहता है, ये पूरे तरीके से रोल अप नहीं करता है, मतलब अगर ये रोल अप करेगा तो ये मतलब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है कि वो रोल अप कर सके। तो ये क्या करता है कि अपने आप को ऐसा कर लेता है, ऐसा बना लेता है, और इसके ऊपर ऐसे कांटे से होते हैं, कैरेटीन के बने होते हैं, है ना, क्विल करके। तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ मैंने आपके लिए क्रिएट करना भी स्टार्ट किया है, तो आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हेजहॉग के बारे में, नया मिनरल्स आए हैं उनके बारे में, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में आज के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा, तो आप उसको ज़रूर से देखते रहो, एक हैबिट डेवलप करते रहो, इस पर ऐसा नहीं कि बैठ के नोट्स बनाना, बट अपने नॉलेज को थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें देखना है, जैसे अब हेजहॉग के बारे में है, पॉर्क्यूपाइन के बारे में है, अब कोई ऐसे जानवर न्यूज़ में रहते हैं, तो अब सारे तो आप नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा सा हल्के जानना जरूरी है अगर कुछ न्यूज़ में है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन देख लो आज मेंस का, अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इंपैक्ट पैंडेमिक हैज़ ऑन माइग्रेंट वुमेन, ठीक है, माइग्रेंट जो वुमेन वर्कर्स, ठीक है, माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स, ठीक है, पैंडेमिक का क्या इंपैक्ट है, अब 10 नंबर में आपको लिखना, अब आपके पास कंटेंट नहीं, अब इसी में आपको अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्म करना है। अभी उस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे मान लो पूरे आर्टिकल में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको दे दे, तो अभी वही लाइन लिख दोगे तो उसमें कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। यहाँ पे आपके माइंड को सोचना चाहिए, थॉट्स आ रहे हैं और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिख पा रहे हो, इसी पर आपको वर्क करना है। अभी कोई स्टैटिक किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आप वर्क करेंगे, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा, फिर आप खुद इस चीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे लिखने में, ठीक है। तो 11 बजे अभी हम मिलते हैं 11 AM को, अपना जो क्वेश्चंस मैं आपके मेंस के आई विल प्रोवाइड और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं हिंदू के जनवरी 2021 के हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो एडिटोरियल्स के टॉपिक्स हैं वो आई विल डिस्कस। तो अगर आपने इस साल एग्ज़ाम देना तो आप उस सेशन को देख सकते हो, 22 का देना तब भी आप देख सकते हो, और अगर आप शुरुआत से जो है क्लासेस कर रहे हो बहुत समय से तो आप मत देखना, आप फिर अपना रिवाइज़ कर लेना, फिर कभी फास्ट फॉरवर्ड करके मन करे तो देख लेना। थैंक यू एवरीवन।